का समय नजदीक आता जा रहा है। थोड़ी देर में परम पूज्य महाराज जी मंच पर पधारने वाले हैं। जब महाराज जी मंच पर पधारें, आप खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं तथा मंच पर कोई चीज फेंकेंगे भी नहीं। जब महाराज जी बैठने का इशारा करें, आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। एक प्रार्थना होगी, सब मिलकर के दोहराइएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। घर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़िया। घर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। यम दूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। यम दूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा रैन बसेरा। क्या कहता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा।
यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गुरुदेव चरण में निस दिन प्रीति लगा ले बंदे। गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीति लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव।
माध्यम से आप रामदासियों के दर्शन का अवसर मिला। अभी थोड़ी देर पहले
आप लोगों ने प्रार्थना किया, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, यही समझने की जरूरत है कि जिनके लिए दिन रात आप मेहनत करते रहते हो, अनाज पैदा करते हो, नौकरी से तनख्वाह लाते हो, व्यापार से कमाई करके आते हो और परिवार बच्चों पर खर्च करते हो, आखिरी वक्त पर ये सब ऐसे रोते और खड़े रह जाएंगे, ये आपका कोई साथ नहीं देंगे। जब तक हाथ पैर चल रहा है, जब तक आप अहीं लेटे बैठे रहोगे, तब तो कि अपना फर्ज अदा करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन जैसे शरीर छूटेगा, फौरन ही है ले जाएंगे इसको, जला करके राख कर देंगे। इसको प्राण निकलने के बाद पड़ोसी लोग, रिश्तेदार लोग मिट्टी कहने लगेंगे, कहेंगे ले जाओ इसको जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अब आप ये समझो कि जिसकी कोई कीमत नहीं होती, बहुत सस्ती चीज को लोग मिट्टी ही कहते हैं। तो जब तक ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये मिट्टी की तरह से ही रहता है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है, जानकारी हो जाती है, सत्संग मिल जाता है, तब पता चलता है कि यह मनुष्य शरीर क्या है, ये किस काम के लिए मिला। पशु पक्षियों की तरह से खाने पीने, बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाने के लिए मिला, या कोई विशेष काम के लिए मिला, इसको देव दुर्लभ शरीर क्यों बताया गया? देवता इसके लिए 24 घंटे मालिक से प्रार्थना क्यों करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? इस वक्त पर लोग जो करने में लगे हुए वो पराया काम है। जैसे घर मकान बनाते हैं, कहते मेरा मकान है, जमीन खरीदते हैं, दुकान खोलते हैं, कहते मेरी जमीन मेरा दुकान, मेरी गाड़ी मेरा घोड़ा, लेकिन प्राण निकलने के बाद उनका रह जाता है, वो दूसरे का होता है। तो जो काम इस वक्त पर ज़्यादातर लोग करने में लगे हुए हैं वो पराया काम है। अपना काम क्या है? अपना काम यह है कि जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला, यानी जीवात्मा के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, वो काम किया जाए। अब जीवात्मा का कल्याण उद्धार क्या है, जीवात्मा क्या है? आप जो नए लोग आए हो, आपको जीवात्मा के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि आप कथा तो सुने होंगे, सत्यनारायण की राम कथा, सत्यनारायण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, लेकिन सत्संग आपको नहीं मिला होगा। कभी कभार कहीं बाई चांस मिल गया होगा, नहीं तो सत्संग नहीं मिला होगा। तो अब आप ये समझो, सत्संग जब मिलता है तब हर तरह की जानकारी होती है। तो मैं आपको बतलाता हूँ कि जीवात्मा क्या है। आप यहाँ पर बैठे हो और आपके शरीर में छुरा भोंप दिया जाएगा, चिल्ला पड़ोगे, रो पड़ोगे, और जीवात्मा निकल गई तो शरीर के टुकड़े टुकड़े काट दो, पता नहीं चलेगा कौन सी चीज निकल गई। तो यह है परमात्मा की अंश। अंश किसको कहते हैं? बहुत छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। उस परमात्मा का इतना छोटा टुकड़ा है कि इन आँखों से आप देख नहीं सकते हो। छोटी से छोटी चीज को देखने वाली जो मशीन बनी, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, उससे भी इसको देख नहीं सकते हो। यह जीवात्मा जो आपके शरीर को चलाती है, गर्मी ठंडी का एहसास कराती है, दुख सुख का एहसास कराती है, यही जीवात्मा जब निकलती है तब उसको मित्र लोग कहते हैं। तो
वे परमात्मा की अंश जीवात्मा है। यही जीवात्मा जो आपके अंदर है, वही हाथी में, घोड़ा में, मुर्गा भैंसा में, चीटी में, चीटी से छोटे कीड़ों में भी यही जीवात्मा है। तो यह जब माँ के पेट में बच्चा 5 महीना 10 दिन का हो जाता है, तब उसमें डाल दी जाती है। तो उस समय जब डाली जाती है, तो जिस रास्ते से डाली जाती है वो रास्ता बिल्कुल साफ रहता है, तो भगवान का दर्शन होता है, तो खूब खुश रहता है। लेकिन जब माँ के पेट से बाहर निकलता है, तो ये काल और माया का पर्दा पड़ जाता है, दर्शन होना बंद हो जाता है, तभी बच्चा रोता है, कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। अब लोग नहीं जान पाते हैं क्यों रो रहा है, वो ले जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर इंजेक्शन नींद के लगा देता है, बच्चा सो तो जाता है। लेकिन इतने छोटे बच्चे को जो नींद का इंजेक्शन लगता है, उसके शरीर के ऊपर बड़ा खराब असर डालता है। अब आप ये समझो कि आज तक कोई भी हंसता हुआ पैदा तो हुआ नहीं, कहते रोते हुए पैदा हुए हो और रोते रोते चले जाओगे, कहते नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके शमशान घाट भेज दिए जाओगे, ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे, तो लेकर तो नहीं जाओगे, क्योंकि इतने पतले रास्ते से जीवात्मा इसमें डाली गई है कि उधर से कुछ जा ही नहीं सकता है, और उसी रास्ते से ये निकल के जाती है। नहीं निकलना जो जान पाते हैं उनके आखिरी वक्त में निकाली जाती है, यमराज के दूर मार मार करके निकालते हैं, तो टट्टी पेशाब तक हो जाता है। तो उस रास्ते से यहाँ की कोई चीज ले जाई जा ही नहीं सकती है, सब छूट जाता है। देखो, एक शेर राजा हुए, महाराजा हुए, शेर साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, वैज्ञानिक जोशी हुए, लेकिन कुछ लेकर गए, सब यहीं छोड़ गए। तो लेकर आने तो आए हो, लेकिन लेकर नहीं जा सकते हो, तो लेकर क्या आए हो, सब कुछ लेकर आए हो, अर्थ धर्म काम और मोक्ष का चार पदार्थ कर्तव्यता के। अगर इस शरीर के पाने का मतलब समझ गए, तब तो समझ लो कि यानी काम बन गया, और अगर शरीर के पाने का मतलब नहीं समझा, अर्थ नहीं समझा है, और समझो आपके रूह के ऊपर, इस जीवात्मा के ऊपर दया नहीं किया, और आप समझ लो कि असला काम जो मनुष्य शरीर का है वो नहीं किया, तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है और जीवात्मा फंस जाएगी। इसको जब समय पूरा होगा तो यमराज के दूत आने निकालेंगे, तो शरीर तो राम से गिर जाएगा, लेकिन पिशाच के शरीर में बंद करके और ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? 86,000 योजन ऊपर में यमपुरी है, वहाँ सबका हिसाब होता है। जो लोग आने समझ लो कि अपने शरीर के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेते, देव लोग सूर्य चंद्र लोकों में आना जाना नहीं सीख लेते, उनका सबका हिसाब होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि जिसको नहीं देख पा रहे हैं वो सब कुछ देख रहा है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देख रहा है, और उसके यहाँ सब नोट हो रहा है, लिखा जा रहा है। तो ये कंप्यूटर और ये मशीन तो वहाँ नहीं है, लेकिन वो किताबें हैं बड़ी बड़ी, वही खाता जिसको कहते हैं, ओ सुनहले पन्ने, लिखावट भी उसकी बहुत अच्छी, उसमें सब अपने आप लिख जाता है। और फिर जब वो यमराज के जो पेशकार हैं, ये जिनको कहते हो, वो पन्ना पलटते हैं तो बस तुरंत बता देते हैं कि इसने ये सब पाप किया, और जो पाप करता है जो, उसकी सजा पहले से निश्चित रहती है। कि जैसे यानी समझ लो कि यानी कोई आदमी का कत्ल करता है तो उसको फांसी होती है,
300-200 का मुकदमा चलते चलता है, ये नियम बना हुआ है। ऐसे ये चोरी करने का ये सजा, डकैती करने का यह सजा, व्यभिचार करने की यह सजा, धोखा देने का यह सजा, निंदा करने की यह सजा, यह सब सजाएं उसमें लिखी हुई। बस उसी आधार पर वो बता देता है, ले जाओ उनको सजा दो। बस वो शुरू कर देते हैं। कैसे सजा देते हैं? ऐसे सीने पर सवार होकर के ऐसे गिरा करके और दबाते हैं, आँखें बाहर निकल आती, जीव बाहर निकल आता है, रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते, और फिर छटपटाता रहता है, तब फिर हट जाते हैं, और फिर आँखें अंदर चली जाती हैं, जी बाहर से अंदर चली जाती है, फिर दबाते हैं, फिर छटपटाता है, चिल्लाता है, फिर आँखें निकलती हैं, जीव निकलती है, काटते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं फिर जोड़ते हैं, हाथ पकड़े और ऐसे फेंक दिया, हाथ उखड़ गया। अब हाथ उखड़ने के डर से चिल्लाता रहता है, और थोड़ी देर चिल्लाया छटपटाया और उसके बाद ऐसे हाथ फिर फेंक देते हैं, फिर जुड़ जाता है, फिर पकड़ के खींचते हैं। तो सजा भोगने के लिए ही वहाँ भेजा जाता है, और फिर उसके बाद नरकों में डाल देते हैं। तो बहुत तरह के नर्क हैं, उनमें काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते, तपाए जाते हैं। टट्टी का नर्क अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग, कांटों का अलग, उसी में पड़े रहो, कोई सुनवाई होने वाली नहीं, कितना भी चल जाओ कोई छुड़ा नहीं सकता है वहाँ। संतों के अलावा संतों का पावर होता है, संतों के पास एक शक्ति होती है, जैसे पैसे का आदमी के पास जखीरा होता है, ज़्यादा पैसा होता है तो यानी किसी को जुड़वाना हो गया तो जुड़वाना दे देता है, ये लो और इसको छोड़ दो, तो जुड़वाना देने के बाद वो छूटता है। ऐसे ही संतों के पास शक्ति होती है। राजा जनक थे, राजा होते हुए भी देही कहलाते, वो शरीर को छोड़ करके ऊपरी लोकों में निकल जाते थे, घूमते रहते थे, आनंद लेते रहते थे। तो एक बार उधर से जा रहे थे नरकों की तरफ से, चिल्ला रहे थे जो, वो छटपटा रहे थे, तो उनको आगे दया परमार्थ के कारण संतन धरा सही, जो दूसरों के लिए संत आते हैं उनका हृदय जो होता है बड़ा कोमल होता है, कोमल मतलब मुलायम, मक्खन की तरह से, जैसे मक्खन बहुत मुलायम होता है, तो उनको आ गई दया। और सभी जीव उसी मालिक के हैं, और संत उस मालिक के पास से धरती पर आए हुए होते हैं। सकल जीव मम उपजाया और सब पर मोर बराबर दया, सब पर वो दया करता है, तो संतों से दया वो फेंकवाता है, डायरेक्ट वो अभी दया नहीं करता। देखो अभी भगवान आकर के आपके सामने खड़े हो जाए तो आपको जल्दी विश्वास नहीं होगा, लेकिन भगवान ने जो काम किया, जो भगवान काम करते हैं, वो जब कोई काम आदमी कर देता है तब कहते हो भाई आदमी नहीं, इंसान नहीं, ये भगवान है। ऐसे ही तो जब चिल्लाए जीव देखा चिल्ला रहे, तब पूछा भाई कैसे छोड़े जाएंगे ये, तो कहा यमराज से पूछो, दूतों ने यमराज से पूछा, तो उन्होंने कहा कोई संत अपने तपस्या में से साधना में से इनको कुछ दे तब तो इनकी बचत हो सकती है, तो उन्होंने 2.5 घड़ी की साधना का फल दिया, तब उनको छुटकारा मिला। तो सिवाय संतों के और कोई छुटकारा दिला नहीं सकता, और संतों का भी उधर जाना होता ही नहीं, क्योंकि जिधर देखो मार कूट होती रहती है उधर कोई जाना पसंद करता है, गंदगी जिधर रहती है, टट्टी पेशाब जिधर लोग करते हैं उधर जल्दी लोग जाना पसंद करते हैं, गंदा नाला जिधर बहता है उधर जल्दी जाना नहीं पसंद करता कोई। तो ऐसे ही तो बड़ी मार पड़ती है वहाँ, और वहाँ से छुटकारा मिलता है जब, तो कीड़ा के शरीर में, मकोड़ों के शरीर में, सांप हो जाए, बिच्छू के शरीर, यही जीव आत्मा डाल दी जाती है। वहाँ से जब छुटकारा मिला तो 9 महीने तो माँ के पेट में लटकना ही पड़ता है, बगैर 9 महीने माँ के पेट में लटकने लटके हुए कोई बच्चा बाहर निकलता नहीं है, ठीक से बन नहीं पाता है। तो आप समझो 9 महीने लटकने के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिलता है रोते हुए, तो कहा पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, लड़कों लड़कों से खेल खेल में झगड़ा हुआ तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए,
पढ़ लिया, नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे। मैं तो देश विदेश में घूमता रहता हूँ, सत्संग करने जाता रहता हूँ, तो हमको तो कोई ना कोई महीना दो महीना मिल ही जाता है। तो तरीके से कहते हैं, कोई कहता है कि घर में कोई रोटी बनाने वाला नहीं है, दया हो जाए आ जाए, कोई कहता है माँ की सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो कोई सीधे सीधे कह देता है शादी हो जाए, शादी करा दीजिए, और दो चार महीने में कोई ऐसा भी मिल जाता है जो कहता है कि छुड़ा दीजिए, ऊब गया हूँ, तलाक दिलवा दीजिए, बड़ी परेशानी, जान का खतरा पैदा हो गया, ऐसे भी मिल जाते हैं। जिनकी नहीं हुई वो भी रो रहे, अब जिनकी हो गई वो भी रो रहे, जिनके लड़के नहीं करो लड़का पैदा हो जाएगा, चलो गया मैं पिंडदान कर आओ, बस रो देवी चुनरी चढ़ा आओ, चलो बाजार पर चद्दर चढ़ा दो, चलो तीरथ कर आओ, गंगा जमुना में नहाओ, लड़का पैदा हो जाएगा, कर डालता है सब करता है, और नहीं हुआ तो कोई मिल गया तो कहा कि काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, बस तुम्हारे लड़का हो जाएगा। तो भाई साहब बकरा भी चढ़ा देता है अनजान में, ना जानकारी में। अब आगे बताओ कि भगवान ने किसको बनाया, आदमी को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, जानवरों को बनाया। अब जिसको देखा भी नहीं आदमी ने, उसकी पत्थर काट करके मूर्ति बना देते हैं और स्थापित करके कहते हैं ये भगवान है, और उन्हीं के सामने भगवान के बनाए हुए जीवों को काटते हैं चढ़ाते हैं। अब अगर वो जिंदा भगवान होते तो अपने सामने काटने देते अपने जीवों को? अरे कोई बाप अपने बच्चे को अपने सामने काटने देगा? लेकिन बाप के फोटो के सामने आप उसके बच्चे को काट दो तो समझो कि अरे वो सजा नहीं देगा। ऐसे ही अब जब पता लग जाएगा कब कि हमारे लड़के को काटाई, तब सजा देगा। ऐसे ही कामवर सता गरीब को वो रो देगा, और जब सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। चलो ठीक है, मानो तो देव और नहीं तो पत्थर। आपने मान लिया कि यह भगवान है, पत्थर की मूर्ति को भगवान मान लिया, तो उनके सामने भगवान के बनाए हुए जीवों को काटो मारो तो नहीं, काटोगे तो कभी खुश नहीं होंगे। देवता का मतलब क्या होता है? देवता का मतलब लेवता नहीं होता है, वो देते हैं। कोई चीज उनसे लेना है तो जान के बदले जान मत दो उनको, ऐसे ही दया मांगो तो मिलेगा आपको। कभी भी बलि नहीं चढ़ाना चाहिए, तो जिनके बच्चे नहीं रहते हैं वो बलि भी चढ़ा देते हैं, और जिनके चार बच्चे हैं कहो दादाजी आप बड़े खुशहाल हो, आपके चार चार बहुएं चार चार लड़के खूब सेवा करते होंगे। तब बुद्धा कहता है ये मर जाते तो ठीक था, जान के लाले पड़े हुए हैं, जान के पीछे पड़े हुए, अब उनके पास बैठ जाओ। को काका ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहता हम क्या करें, हम तो बड़े परेशान हैं, बहुएं अपनी तरफ खींच रही, लड़के अपने तरफ खींच रहे। अरे काका तुमने तो पढ़ाया लिखाया, लड़के पढ़े लिखे कमाने वाले, बहू भी पढ़ी लिखी लाए, बढ़िया बढ़िया बना के खिलाती होगी, और लड़के रुपया कमा के लाते होंगे, सेवा करते होंगे। तब बुढ़ा धीरे से बैठा लेता है, कहता है क्या बनाती क्या खिलाती है, वो तो खाती जाती है वो बनाती जाती है। अरे काका तो पूछा नहीं ऐसा क्यों करती हो, पूछा तब कहती है टेस्ट करके बनाती हो कहीं खराब न बन जाए। तो भाई उसकी माँ ने तो रोटी बनाना सिखाया ही नहीं,
वो तो पढ़ाती रही पढ़ाती रही पढ़ाती रही, घर का कोई काम सिखाया ही नहीं, तभी तो वो टेस्ट करके बनाती है। और मैं तो अंदाजा लग जाता कितना नमक पड़ेगा, कितना तेल पड़ेगा, कितना क्या पड़ेगा। बहुत बढ़िया बनाती पढ़ी लिखी लड़की। अरे काका, लड़के तो बड़े काबिलियत के, खूब कमाते हो, क्या कमाते क्या खाते हैं और कहाँ रखते हैं कुछ पता नहीं। वो तो समझो जो पुराना था सब खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया काका? अरे उठना बैठना तौर तरीका सब खत्म, देवी देवता भगवान सब खत्म, उनके तो बस हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। अरे तो पैसा है तो पैसा लाते तो होंगे काका? अरे क्या लाते हैं, सब की नजर हमारी तिजोरी के ऊपर है। सबका भैया खान पान गड़बड़ हो गया। सुबह उठते थे तो धरती को प्रणाम करते थे, गीता के श्लोक रामायण की चौपाई पढ़ते थे, भगवान का नाम लेते हुए बिस्तर से उठते थे, नहाना धोना पूजा पाठ करना नियम सब सब खत्म हो गया। अब तो 9 बजे फिल्मी गाना गाते हुए उठते हैं, फटा पैंट पहनते हैं। हमने कभी भी उनको फटा पैंट नहीं पहनाया, फटा कपड़ा पहनने नहीं दिया। पूछा फटा क्यों पहनते हो, का फैशन है? बाज आए ऐसे फैशन से, न ये खाना सीख पाए और न ये पहनना सीख पाए। बहू से पूछा तू बनाती नहीं थी शहर में थी जब? बोली होटल में खाते थे। हमको मालूम है कि 3-3 दिन की दाल होटल में खिला देते। अरे तो काका होटल में खाया आपने? खाया नहीं, वो बता रहा था कि जब सड़ जाती है, जब खट्टापन बढ़ जाता है, तब उसी में जीरा घी और लहसुन प्याज सब डाल के छौंका लगा देते हैं। लोग कहते बढ़िया टमाटर पड़ा हुआ है, खट्टी वाली डाल रहा। भाई हम क्या बताऊं, हम तो बहुत परेशान हैं। जैसे सुबह होता है कभी बहू कहती है कभी बेटा कहता है, पापा जी कुत्ते को ले जाओ, कुत्ते को घुमाओ, टट्टी करा लाओ, ऐसा बोलते। बताओ गाय चराने वाले को आप कुत्ता चरवाते हैं? अरे काका पैसा नहीं देते? नहीं देते कुछ नहीं, हम तो अब डर के मारे इनसे पैर भी नहीं दबवाते। क्यों काका पैर क्यों नहीं दबाते हो? कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दें, तिजोरी की चाबी के चक्कर में। सब बुढ़ा भी परेशान, जिसके पास रुपया पैसा नहीं कहता रुपया पैसा हो जाता, हम भी बड़े आदमी हो जाते हैं, और जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा परेशान। हमें नोटबंदी जब हुई तो एक सेठ रात को चार पाई पर उठे बैठे, पहले सो लेटे फिर उठे फिर बैठे, 3 दिन हो गया नींद नहीं आई। लड़के ने कहा डॉक्टर के पास ले चलो, ले गए। डॉक्टर साहब ने कहा क्या हो गया सेठ जी को? बोले नींद नहीं आ रही। अरे तो नींद की गोली दे दिए होते? लड़का बोला 3-3 गोली दे दिया, नींद नहीं आई। डॉक्टर भी सोचने लगा आप कौन सी दवा दें। तब तक लड़का बोल पड़ा डॉक्टर साहब चौथी गोली दे दें। चौथी गोली दे तो दोगे, सो तो जाएंगे लेकिन उठ नहीं पाएंगे, सोते ही रह जाएंगे। 3 ही गोली बहुत ज्यादा हो गई, ओवरडोज हो गया। सुन राजा को शांति न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी आपका ब्लड टेस्ट कराया जाए, खून सब में कुछ न कुछ बीमारी निकलेगी। घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं हो रही है। आपको ये न बताऊं जो लोग बैठे हैं, और कोई चैलेंज करो तो मैं बता दूंगा, 10-20-25 को बता दूंगा कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ते रहते हैं। बूढ़े न लड़ें जवान न लड़ें, तो लड़के ही लड़ते रहते हैं, कोई न कोई बीमार ही रहता है। सब बता दूंगा, इसी में बता दूंगा।
कि इनके घर में कोई ना कोई बीमारी रहता है, एक ठीक होता है दूसरा गिर जाता है। यह भी बता दूंगा कि इतना पैसा दवा में जाता है इनका कमाई का, इनका सब कारण क्या है आखिर? लड़ाई झगड़ा मुकदमेबाजी दौड़ धूप वैमनस्यता, इसका कारण क्या है? देखो जो चीज आप खाते हो उसी का खून बनता है, तो ये जो मनुष्य का खून है ये शाकाहारी है। माँ के पेट में खून बना, पांच तत्वों से शरीर की रचना हुई, जल पृथ्वी अग्निवायु और आकाश, तो ये जो उससे खून बना ये शाकाहारी। इसमें जब मांस डाल देते हैं और उसका खून बनता है तो ये खून बेमेल हो जाता है, तालमेल नहीं खाता। कैसे नहीं तालमेल खाता है भी बता दूंगा आपको। बूढ़ा बीमार हो गया, डॉक्टर कहता खून चढ़ेगा, लड़का कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए, डॉक्टर टेस्ट करता कहता ना तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता। भाई बीमार हो गया, भाई कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए, डॉक्टर कहते ग्रुप नहीं मिल रहा है, तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ सकता। अब आप सोचो कि एक ही रजवीर से एक ही माँ के पेट में दोनों बच्चे बने, एक ही माँ ने दूध पिलाया, पालन पोषण किया, बड़ा किया, तो खून क्यों नहीं मिला है? खान पान गलत हो गया। जब से मांस का खाना लोगों ने बढ़ाया, मांसाहार बढ़ा, तब से देखो बीमारियां बहुत बढ़ गई। चरित्रहीनता और लूटपाट घसोट से लोगों ने नशे का सेवन ज्यादा किया, शराब जैसे नशे को ज्यादा पीने लग गए, जगह जगह दुकानें खुल गईं, तब से ये चीजें ज्यादा बढ़ गईं। इसलिए शाकाहारी भोजन करो, बुद्धि सही रहे। कोई गरिष्ठ चीज खा लेते हो तो क्या होता है, चक्कर आने लगता है, डॉक्टर के पास जाते हो कहते हो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, खून का दौरा तेज हो जाता है। मांस खाने वाले होते हैं कुत्ता और शाकाहारी होते हैं बैल। एक कमरे में बैल बंद कर दो, चारा डाल दो, रात भर खाएंगे आराम से, सुबह दरवाजा खोलोगे निकल जाएंगे। दूसरे कमरे में कुत्ता बंद कर दो और रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे और समझ लो कि एक दूसरे को नोचेंगे। सुबह जब दरवाजा खोलोगे तो किसी कुत्ते का पूंछ कटा हुआ, किसी कान कटा हुआ, किसी के पैर से खून निकलेगा। क्यों? खून गर्म होता है मांसाहारियों का। ये अपराध और भ्रष्टाचार और लड़ाई झगड़ा ये खून के खौलने की वजह से होता है। इसलिए शाकाहारी भोजन करो। देखो बुद्धि खराब हुई रावण की, क्यों? इतना विद्वान बलवान था, यानी सोने की लंका थी, जानकार इतना था कि कह रहा था जमीन से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा और सीढ़ी पर चढ़ करके लोग स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन घर में उसके कोई बच्चा नाश हो गया। क्यों? क्योंकि मांस खाता था, शराब पीता था, दूसरे की औरत को गले नजर देखता था। ऐसा काम मत करना, ऐसा करोगे तो कभी सुख शांति इस गृहस्थ आश्रम में मिलने वाली नहीं, परिवर्तन का भी कल्याण होने वाला नहीं। कितना तीर्थ कर जाओ, कितना व्रत रह लो, कितना अनुष्ठान कर लो, कितना आप दान पुण्य कर लो, लेकिन न तो शांति मिलने वाली है और न जीवात्मा का कल्याण होने वाला है। अब आप ये समझो कि यानी कम खाओ, अगर थोड़ा खाओगे हजम हो जाएगा, और नहीं तो दर्द होगा पेट में तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो डॉक्टर तो तुरंत पैसा जमा कराएगा, चाहे जमीन बेच के लाओ चाहे जेवर बेच के लाओ, और दो जमा करो और गिरा करके ऑपरेशन कर देगा। पैसा भी दोगे तो पेट भी फड़वाओगे, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि एक बार पेट फड़वा के चले आए और दोबारा जाओगे तो नहीं ऑपरेशन करेगा, दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो ऊब गया ऑपरेशन कराते कराते, और फिर डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन, तब कहता डॉक्टर साहब
आपके बाद जब ऑपरेशन करना तो सिलाई मत करना, टांका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन या तो बटन लगा देना, जब फिर आऊँ तो बटन खोल के ऑपरेशन कर देना। टांका लगाते हो पकता है, अट्टी पट्टी करानी पड़ती है, बड़ी परेशानी होती है। तो कितने बार ऑपरेशन कराना पड़ेगा कोई ठिकाना नहीं। कहते हैं गम खाओ, थोड़ा खाओगे तो हजम हो जाएगा, और गम खाओ यानी गम खाओ माने बर्दाश्त करो, कोई गाली दे चुप हो जाओ, सुनो ही नहीं, समझो सुने ही नहीं, कोई कुछ दो बात कहे बर्दाश्त कर लो, तो कभी लड़ाई झगड़ा होने वाला नहीं। देखो संतों की बड़ी महिमा है, कारण संतों की महिमा अनंत और अनंत किया उपकार, संत हमेशा इस धरती पर रहे। तो संतों की महिमा इस तरह बताई गई कि उनके शरीर से जो मक्खी मच्छर छू जाते हैं और दया हो जाए उन पर भी, तो वो भी मनुष्य शरीर पा जाते हैं। जिस पेड़ का दातून कर लेते हैं यानी समझ लो कि वो भी मनुष्य शरीर का अधिकारी हो जाता है, और आप समझो कि जिस गाय का बकरी का दूध पी लेते हैं और दया हो जाती है वो भी मनुष्य शरीर के अधिकारी हो जाते हैं। तभी तो कहा गया कि गुरु का दर्शन रोज करो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार करो, 6 महीने में एक बार करो, उन्होंने तो कहा साल में एक बार जरूरी होता है। कभी साहब ने कहा बरस देना में दरस न पीना, और ताको लागे दोष, और कह कभी रुआ को कभी न होवे मोक्ष। तो दृष्टि से दया करते हैं, आंखों में देख करके दया करते हैं, छू करके करते हैं, और वाणी से दया करते हैं। अगर महात्मा दया न करते तो अंगुलमाल डाकू से साधु बन सकता था, अरे वाल्मीकि डाकू से साधु बन सकते थे, कभी नहीं, वाणी से उन्होंने दया किया, ऐसे दया करते हैं। लेकिन स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। मान लो किसी भैंसा के ऊपर दया हो गई और मनुष्य बन गया, तो जैसे भैंसा गुर्राता रगड़ता सिंह मारता चलता है, ऐसे आदमी भी आहिस्ता हुआ चलेगा। देखो तरह तरह के आदमी होते हैं हर स्वभाव के। मान लो कोई बकरी है, उसका दूध पी लिया, दया हो गई, अब वो औरत बन गई, तो जैसे बकरी दिन भर में आम्या आम्या चिल्लाती रहती है, ऐसे औरत भी दिन भर बोलती रहती है, तो स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। तो सास और बहू ये लड़ती रहती है, अक्सर देखा जाता है घर घर में, चाहे अन्य गरीब घर की सास बहू और चाहे बड़े आदमियों की घर की हूँ। अब गरीबों की तो जोर से बोलती हैं, तेज गाली देती हैं, तो उनका सब जान जाते हैं, और बड़े आदमियों के घरों में यानी उनका समझ नहीं पाते क्या कहती हैं। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी में गाली देती हैं। अब अंग्रेजी हर कोई के समझ में समाता नहीं है, जैसे अंग्रेजों का समय था, तो अंग्रेज एक किसान के घर पर सुबह सुबह पहुंच गया, तो उस समय तो ये पेड़ा बर्फी होता नहीं था, गुड़ जिसके यहाँ होता था बड़ा आदमी माना जाता था, और नहीं तो स्वागत सत्कार लोग किससे करते थे, दही से दूध से इन्हीं चीज़ों को पिलाते थे, रहता था तो थोड़ा सा गुड़ डाल देते थे। तो सुबह जो होता है दही वो अमृत तुल्य होता है, शाम को अन्य दूध अमृत तुल्य होता है, का दिनांतरे पिवेत दुग्धम अन्य शांतरे पिवे तिवारी, रात को सोने के बाद अगर एक गिलास दूध पी लिया जाए तो सुबह पेट साफ होता है, और निशांतरे निशांतरे मतलब रात्रि के बाद सुबह जब उठो तो ऐसे पानी डालो, ऐसे उठा करके रात का रखा हुआ है और ऐसे पियो, और दूर शौच के लिए अन्य लोग जाते थे पहले के समय में, तो उतनी देर में ही वो पानी पेट में आने समय लोग कि खुल जाता था, और टड़ियों में पड़े हुए मल को ढीला कर देता था। तो जब शौच करने के लिए टट्टी के लिए बैठते थे तो ऐसे दांतों को लोग दबा लेते, और जब मल बाहर हो जाता था तो मुंह खोल लेते थे। तो 80-80 साल 90-90 साल के बूढ़े का एक भी दांत नहीं गिरता था,
चना खाते थे बराबर 90 साल की उम्र तक। अब आप ये समझो, सुबह उठे और सब थूक निकाला अपना और दोनों आंखों में लगा लिया तो जल्दी रोशनी कम होती ही नहीं थी। नंगे पैर लोग चलते थे तो यह धूप या घास से इतनी ताकत मिलती थी शरीर के अंदर कि आंख की रोशनी तेज हो जाती थी। मूली को ऐसे सुबह के समय, मूली का सीजन है, ऐसे उखाड़े और कपड़े में पोछा और थोड़ा सा खाया, उसका पत्ता जरूर खाना चाहिए क्योंकि मूली पेट में पड़ी हुई चीज को हजम करती है और गैस कब बनता है जब जल्दी पचाव नहीं होता है तो उसको वो पचा देती है मूली। लेकिन मूली स्वयं नहीं पचती है, उसका पत्ता उसको पचाता है। सुबह का समय मूली बहुत फायदा करता है, सुबह मूली मूल है और दोपहर मूली मूली और शाम को मूली सूली, शाम को नहीं खाना चाहिए। सुबह खीरा हीरा है, दोपहर खीरा खीरा और शाम को खीरा हीरा, शाम को नहीं खाना चाहिए, ठंड करता है, नुकसान करता है। तो अब आप ये समझो कि सुबह उठ करके पानी यानी रात का रखा हुआ पीना बहुत फायदा करता है। लेकिन अब तो शौचालय घर में ही बन गए सब, यानी समझ लो रिवाज बदल गया। पहले क्या था, लोग खाते थे घर में और टट्टी मैदान शौच के लिए बाहर जाते थे, और अब टट्टी मैदान शौच घर में करते हैं और खाने के लिए होटल में बाहर जाते हैं। अब तो रिवाज बदल गया, पहले ऐसा नहीं था। चलो ठीक है, सफाई के दृष्टिकोण से शौचालय जगह जगह बनना चाहिए, लेकिन थोड़ा टहलना चाहिए पानी पी करके सुबह, तो वो मल को ढीला कर देगा पानी और फिर शौच जो पेट साफ हो जाएगा। तो कहा निशान निशान तेरे पीवत भाई, और आयु समय लो कि भोजनांतरे यानी पीवत तक्रम, दोपहर के भोजन के बाद तक्र किसको कहते हैं, का तक्रश यानी जो है यानी समझ लो इंद्र, सक्रश इंद्र को सक्रश ही कहा गया, तो तक्रश सक्रश दुर्लभम यानी इंद्र को भी छाछ यानी यह जो मट्ठा होता है पतला दही, दही को मस देते हैं वो कहते हैं दुर्लभ है, बहुत फायदा करता है। लेकिन भोजन का समय क्या बताया गया, 11 बजे से 1 बजे तक, यह नहीं कि दिन का भोजन 4 बजे और रात का भोजन रात को 1 बजे, ऐसा नहीं। तो दोपहर में 12 बजे पहले बहुत फायदा करता है। तो अंग्रेज पहुंचा कहाँ, उसके यहाँ यानी किसान के यहाँ, तो वो लाया बढ़िया जमाया हुआ दही एकदम से, तो दही तो पहले कभी ऐसा खाया नहीं था उसने, तो समझ गया कि खाने के लिए लाया है, तो उसको खाया और जैसे खाया लगा खट्टा, कहा डैन फूल, वो खुश हो गया कि साहब जो है हमारा दही बढ़िया खाया और जो है हमको उपाधि दे दिया, हमको हमारा नाम रख दिया। तो सब लोगों से कहो कहा कि साहब ने हमारा नाम रख दिया, हमको सब डैन फूल कहो, और गाँव वाले डैन फूल उसको कहने लगे। उसका लड़का बाहर पढ़ता था तो पढ़ लिख करके आया तो पड़ोसी बैठा था दरवाजे पर, पड़ोसी आया, ओ डैम फूल, अरे भाई कहाँ गए। लड़के ने कहा भाई डैम फूल इस घर में कौन हो गया हमारे जाने के बाद। अब वो डैम फूल मुझे हटते हुए निकले और बैठे बातचीत किए। जब वो चला गया तब लड़के ने कहा पिताजी आप वो लोग डैम फूल क्यों कहते हैं। बोला वो साहब आया था तो हमारा नाम रख गया। उस समय राय साहब भैया साहब ये सब डिग्री देते थे अंग्रेज लोग बड़े आदमियों को, तो वो भी सोचा हमको डिग्री दे गए, ये उपाधि दे गए। तो कहा पिताजी डैमपुर माने आपको मालूम है क्या होता है। बोला हमको नहीं मालूम। तो उस समय बड़ी मर्यादा होती थी, बड़ी मर्यादा, बाप के सामने लड़का चारपाई पर नहीं बैठता था, जमीन पर बैठता था। ऐसी कोई बात यानी समझ लो कि बच्चे नहीं बोलते थे जो माता पिता को खराब लगे। आज की तरह से बच्चे थे कि जब पढ़ लिख लिए नौकरी मिल गई कमाने लगे तो माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, सेवा करना तो दूर रहा। अरे इसीलिए पढ़ाया लिखाया था, अरे इसीलिए 9 महीने माँ के पेट में रखा, अपने पेट में माने रखा था, चट्टी पेशाब धोया था कि बुढ़ापे में अब सेवा करने का समय आएगा तो घर से निकाल देंगे। लेकिन आजकल के बच्चों को क्या कहा जाए, सत्संग में अगर लाया जाए बच्चों को
तब तो वो सब समझ जाते हैं, सेवा करते हैं, सत्संगियों के लड़के खूब सेवा करते हैं माता पिता। आप समझो जब धार्मिक भावना उसके अंदर थी श्रवण कुमार के, तभी तो कहता था माता पिता नहीं भगवान हो। तो अब आप समझो कि लड़के ने कहा कि देखो पिताजी, हमारा साथी वो जो पढ़ करके आया है उसके पास जाओ, उससे पूछो डैम फूल माने क्या होता है, वो बताएगा। तो गया तो कहा भाई डैम फूल माने क्या होता है, तो कहे काका जानते हो गधा गधा, कहे हाँ गधा गधा, वो जो हनुमान जी लिए हैं वही ना। बोले नहीं नहीं गधा नहीं गधा, वो जो मिट्टी लादते हैं कुमार लोग, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा कि कबीर गुरु के भक्त बिन राजा गधा हुए, और माटी लादे कुमार का घास न डाले कुए, वो गधा है। तो कहा गधा बना दिया हमको अंग्रेजी ने, ओ हमको अंग्रेजी नहीं मालूम था, तो अब बोला हमारा नाम हमने ही रख लिया। लोगों से कहा हमको डैमफूल को, डैमफूल को मूर्ख, उसने कहा मूर्ख जानते हो, कहा मूर्ख तो जानते हैं भाई, तो कहा मूर्ख गधा यही सब होता है, कहा नहीं जानते, काका कहीं हमको नहीं मालूम था भैया, हमने तो अपना नाम खुद ही रख लिया। तो अब आप समझो कि जिसको नहीं मालूम वो नौकरानी क्या समझेगी, लेकिन इशारा तो सब लोग समझते हैं। नौकरानियों से पूछो बया देते हैं कि बहू कैसी है, सास कैसी है, और खूब बढ़िया से तुम्हारा घर चलता है, तब वो बताएगी क्या कहती हैं, ये तो नहीं समझ में आता है, लेकिन हाथ पैर और आंखों का इशारा ये बताता है कि एक दूसरे के 36 हैं, 36 यानी समझ लो 63 नहीं है कि सामने सामने बैठ सकें। होते ना एक गाड़ी में दो औरतें बैठी जा रही थी, तो यानी घंटों बैठी नहीं बोली नहीं, तो जब आदमी उतरे वहां तो पूछे कि ये कौन हो सकती हैं, विशेषज्ञ लोग थे सब साथ में रिसर्च करने वाले, बोले ये दोनों सौतन हैं, इसीलिए नहीं बोली नहीं तो ये बात जरूर करती। तो अब आप समझो बिल्कुल सौतन जैसा व्यवहार यानी होने लग जाता है। तो देखो मैं आपको बताऊं, एक सत्संगियों की लड़की थी, तो आई हमारे पास, उसकी माँ लेकर के आई, शादी होकर के ससुराल जाके फिर लौटी थी। तो माँ ने कहा महाराज जी इसको समझाओ, ये कह रही अब हम ससुराल जाएंगे ही नहीं, उस घर में जाएंगे ही नहीं। तो हमने कहा बच्ची क्या बात हो गई, तो बोले कि बहुत परेशानी है, अब उस घर में जाने में नहीं कह रहा है। तो हमने कहा कि कारण क्या है, तब बोली कि महाराज जी आप ही कहते हो कि किसी को लठ से मार दो घाव बन जाए तो दवा से ठीक हो जाता है, और बातों का जो घाव होता है वो तो जल्दी भरता नहीं है। तो हमारी सास बड़ी कड़क बोलती हैं, ऐसी ऐसी बात बोलती हैं कि जो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो हमने कहा तू सुनती क्यों है, और नाराज होकर बोली तो कहाँ घर छोड़ के चली जाए। तो हमने कहा देख उसको बता दिया गया तरीका, कान में उंगली लगा और आंख बंद कर ले जब वो बोलने लगे, और भजन पर बैठ जाए तो वो अपने आप अहनी जल करके बुझ जाएंगे। अरे भाई क्रोध किसकी को क्यों आता है, खून जलता है क्रोध में, और लेकिन उसके बाद फिर ढीला पड़ जाता है, तो तू देख ही नहीं उसको, यानी किस तरह आँख से हाथ पैर से इशारा करती है, और क्या बोलती है, कान में उंगली लगा ले बैठ जाओ सुनो ही नहीं, तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि सास को गुस्सा हुए बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा हुए सास चुप हो जाए, पति को गुस्सा हुए पत्नी चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा हुए पति चुप हो जाए। परिवार में किसी को भी गुस्सा हुए दूसरा चुप हो जाए तो लड़ाई झगड़ा होना ही नहीं। तो ये बता रहा हूँ आपको लोक बनाने का तरीका। लोक बनाना किसको कहते हैं, कहते हो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे समाज में रहते हैं, ये इनकी पत्नी पति व्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, लोक बना हुआ है, लोक बनाना इसको कहते हैं। और परलोक बनाना किसको कहते हैं, जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर जो भी पैदा होता है मरता है, जाना सबको पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, चाहे आदमी हो चाहे पशु पक्षी हो चाहे कीड़े मकोड़े हों, तो इसका नाम ही है मृत्यु। मृत्यु माने बाहर,
इस लोक से एक दिन बाहर कर लिया जाना होता है, लेकिन इसके ऊपर भी लोक हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, देव लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, काल लोक, महाकाल लोक, षट लोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। उन लोकों में आपका आना जाना शुरू हो जाए, इसे मनुष्य शरीर के अंदर जो रास्ता गया हुआ है उस रास्ते से अपनी जीवात्मा को निकाल करके और आप ऊपरी लोकों में ले जाओ और सैर कराओ और फिर वापस यहाँ ले आओ, तो वो परलोक बनाना भी आपको बताऊंगा। हमारे गुरु महाराज कितनों को लोग परलोक बनाने का रास्ता बताए, और रास्ता ही नहीं बताए, रास्ते पर चलाए, नामदान भी दिया, साधना भी करवाया और कितने जीवों को पार कर दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं। जाने से पहले मेरे लिए कह गए थे कि तुम के ये नामदान देंगे नए लोगों को और पुरानों की संभाल करेंगे। गुरु महाराज के जाने के बाद उनके आदेश का पालन करना शुरू कर दिया, क्योंकि आदेश का पालन ही गुरुभक्ति होती है। तो गुरुभक्ति आने समय लोग के करने के लिए ही नामदान देना शुरू कर दिया। जहाँ भी जाता हूँ, सत्संग करता हूँ, नामदान देता ही देता हूँ। हिंदुस्तान के कोने कोने में तो जाकर के नामदान दिया ही, विदेशों में भी गया, वहाँ भी नामदान दिया, आपके नेपाल में नामदान दिया, हांगकांग में दिया, मलेशिया में दिया, सिंगापुर में दिया, ओमान में दिया, कतर में दिया, दुबई में दिया, आपके श्रीलंका में दिया, आपके इंग्लैंड में दिया, अमेरिका में नामदान दिया, सब जगह जहाँ जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ, चाहे ज़्यादा लोग रहें चाहे थोड़े लोग रहें, सब जगह नामदान दे देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि इस समय किसी की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि दो घंटे के बाद ठीक ठाक अपने घर में वापस आ जाएगा। अब मान लो शरीर छूट गया तो शरीर पाने का मतलब नहीं हल कर पाएगा और फिर वही नरकों में 84 में चला जाना पड़ेगा, इसलिए नामदान दे ही देता हूँ। अब ये जरूर है कि पहली बार जो सत्संग सुनते हैं उनके समझ में हर बात नहीं आती है। राम कथा, कृष्ण कथा और महाभारत की कथा और ये कथाएं तो होती रहती हैं, तो उसकी कहानी लोगों को मालूम रहती है, उसको तो जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन ये संतमत बाहर से जो नीरस लगता है ये नहीं समझ पाते। कुछ लोग थोड़ा देर से आते भी हैं, यही समझते हैं कि भाई वही बातें बताई जाएंगी, तो लोग थोड़ी देर अच्छा सुन ही आते हैं, तो और कुछ भी ना समझे आदमी और यह नाम ही समझ ले। अब जैसा बताया जाता है यह नाम की कमाई करने लग जाए, जाप करने लग जाए, ध्यान भजन करने लग जाए, तो सब समझ जाएगा, क्योंकि असली चीज तो यही है ना, यानी नाम ही सब कुछ है। अरे समय लोग की कहा ना गोस्वामी जी ने कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमे सुमे नर उतरे पारा, नाम लेत बहुत सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मनमाही, नाम से ही सब कुछ है। तो समय लोग वो अगर समझ में आ जाए तो काम बन जाए। तो अब आपको समझाता हूँ, देखो नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम किसको कहते हैं? जो मुंह से लिया जाता है। तो मुंह से जो नाम लिया जाता है, यानी जो जो नाम यानी पहले जगाए गए, जैसे राम नाम, कृष्ण नाम, तो ये उनके नाम रहे कि जो माँ के पेट में पल करके और बाहर निकले थे, इस माया के देश में रहे थे, आने समझ लो वो आने समझ लो कि मायक नाम कहलाया। और जो आने समझ लो कि गर्भ में नहीं आते हैं, और जो धनी जिनका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, उनके मुंह से जो आवाज निकलती है वो ध्वन्यात्मक नाम होती है। तो देखो वर्णात्मक नाम हमेशा होता है, जब जब महापुरुष आते हैं तो एक नाम को जगाते हैं, जैसे त्रेता में राम नाम राम ने जगाया, द्वापर में कृष्ण आए तो कृष्ण नाम उन्होंने जगाया, द्रौपदी को उबारा, ग्रह को उबारा, यानी कृष्ण नाम बोलने पर आप समझो कि राम नाम में इतनी ताकत शक्ति रही उस समय त्रेता में कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था,
सारे पत्थर तैरने लगे थे। अब त्रेता और द्वापर के पहले गुरु नाम था, गुरु नाम से ही उद्धार होता था, गुरु नाम में शक्ति थी, उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया, यानी उनका नाम ही बाबा जयगुरु जो पड़ गया, क्योंकि उन्होंने गुरु नाम को जगाया था। जैसे कोई फलाहार करने वाले को लोग फलाहारी बाबा कहने लगते हैं, टाट पहनने वाले को टाटम्बरी बाबा कहने लगते हैं, ऐसे ही यानी उनको बाबा जय गुरुदेव ही लोग कहने लग गए गुरु महाराज को, तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया यानी गुरु नाम को जगाया। और गुरु के पहले जय लगाया, जय माने जय मान, या माने जो, जय मान माने जो हमेशा रहे। तो कहा गया चाहे ब्रह्मा और शिव के समान कोई होगा लेकिन बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता, तो इसलिए उन्होंने जय लगाया। और देव माने देने वाला, तो ये जय गुरुदेव नाम जब गुरु महाराज ने जगाया और इसको भगवान परमात्मा का नाम बताना शुरू किया, तो जल्दी किसी को विश्वास न हो, क्योंकि हर कोई कोई न कोई नाम भगवान का मान करके जपता है, याद करता है, उसी नाम को मुसीबत में तकलीफ में भी बोलता है, तो जल्दी कोई दूसरा नाम समझ में नहीं आता है, तो आप समझो कि विश्वास कर लेता है उस नाम पर। अब न तो यानी बताने वाले को यह मालूम रहता है यानी कि यही नाम है, और न उस नाम के पुकारने पर वो भगवान उसको मिलता है, और न बताने वाले को मालूम और न सुनने वाले को मालूम, लेकिन विश्वास कर लेता है। तो जब जय गुरुदेव नाम बोलना बताना शुरू किया तो जल्दी लोगों को विश्वास न हो, तो गुरु महाराज ने कहा कि जल्दी से इसके फायदा के लिए यानी इनको रटाना पड़ेगा, याद कराना पड़ेगा और इसकी परीक्षा दिलानी पड़ेगी जय गुरुदेव नाम की। तो कहा था तुम परीक्षा ले लो, जय गुरुदेव नाम बोल करके मुसीबत में जब भी पढ़ो जय गुरुदेव नाम बोलो, ये नाम मदद करेगा। परीक्षा लेना लोगों ने शुरू किया, जा रहे हैं ऐसे रास्ते में मधुमक्खियाँ छेदने लगी, तो जब मधुमक्खियाँ छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, तो जब देखा कि नहीं बचने का तब जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा चली और उड़ी धूल गाड़, और हवा के साथ मक्खियां सब उड़ गई। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और ले जा करके किनारे लगा दिया, जान बच गई। मात्र समय बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द, आप देखो कि डॉक्टर फेल हो जाते हैं, नींद का इंजेक्शन एक ही जगह दो दो, आप समझो कि दर्द का इंजेक्शन एक ही जगह दो दो दे देते हैं, लेकिन पीड़ा दर्द नहीं जाता है, हड्डी हड्डी चटकती है उस वक्त पर जब हम रूटों की मार पड़ती है, मुगडर हथौड़ी से कूटते हैं, तो चिल्ला रहा था मरने वाला आदमी, तो प्रेमी ने 10 बार जय गुरुदेव कान में बोल दिया, तो चिल्लाना बंद कर दिया, आंखें खोल दिए और बोला अब आराम से जा रहा हूँ। वो जल्लाद सब हट गए, जमदूत सब हट गए, तो जय गुरुदेव नाम की परीक्षा खूब लिया लोगों ने। आपके मन में अगर कभी शंका आवे तो आप भी एक बार जय गुरुदेव नाम की परीक्षा ले लेना, आप देखो प्रचार भी कर दो इस बात का कि कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके मदद ले सकता है। तो यह जय गुरुदेव नाम इस वक्त का वर्णात्मक नाम है भगवान का, और दूसरा नाम है ध्वन्यात्मक, वो नाम भी आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा रटाऊंगा, जितना याद कर सको याद कर लेना, और नहीं तो अभी कार्यक्रम जब खत्म होगा तो लिखा हुआ पर्चा कागज आपको यहीं मिल जाएगा, आप लेकर के उसको याद कर लेना, बताना मत किसी को और ना टेप करके इन नामों को सुनाना, बता दोगे या टेप करके सुना दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है और ये नाराज हो जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए बताना मत किसी को। दूसरी चीज आप और समझ लो बच्चे बच्चों, आपको अभी ध्यान लगाने के लिए बताऊंगा, अब आंख जब बंद करोगे ध्यान लगाओगे और ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे,
देवलोक सूर्य चंद्रलोकों में जाओगे और वहाँ का नजारा दृश्य देखोगे, देवी देवताओं का दर्शन आप करोगे, अब खुश हो जाओगे। अब खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। इसलिए कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े तो बताना मत किसी को। और अगर थोड़ा मेहनत करोगे, बैठने की आदत डालोगे, तो दिखाई जरूर पड़ेगा, जरूर सुनाई पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, पक्की बात बताता हूँ, प्रमाण के साथ इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ कि दिखाई पड़ता है और सुनाई पड़ता है। तो आप ये समझो कि आपको कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो बताना मत किसी को। आप तीन चीज आप और समझो, देखो पांच नाम है, पांच रूप है, पांच स्थान और पांच की आवाज है। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, आपका नाम है आपका रूप है, रूप माने चेहरा, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज निकलती है वो आवाज है। ऐसे ही इस वक्त के पांच धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान, इनकी आवाज है। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा रटाऊंगा। तीन चीज आप और समझ लो, सुमिरन ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं, माला जपने को। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं, आंख से देखने को। और तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं, कान से सुनने को। सुमिरन ध्यान और भजन, तीन चीज। अब तीन चीज और समझो, तीन आंख तीन कान और तीन नाक। तो कहोगे भाई ये कैसे, देखो दो आंखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और इन्हीं दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख है, ये आत्मा यहाँ पर बैठी है बीचों बीच में। कैसे उतारी गई, कहाँ से आई, क्या है, ये तो इतना आज बताने का समय नहीं है। वो तो अभी हमारा आश्रम उज्जैन में है तो वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं, वहाँ जब आओगे सत्संग कई दिनों का मिलेगा तब आने समय लोग आपके समझ में आ जाएगा। अभी 6 और 7 तारीख को भी सत्संग होगा, यही दीपावली के अवसर पर, तो ज्यादा तो समय नहीं है बताने का, मोटी ही मोटी बात आज बताऊंगा। लेकिन आप ये समझ लो कि ये जीवात्मा यहीं पर बैठी है इन्हीं दोनों आंखों के बीच में, उसको तीसरा तेज पिंडी दशमा द्वार कहा गया, वहीं पर वो बैठी है। तो ये आंख है जीवात्मा, दो आंख बाहर और ये आंख अंदर जीवात्मा में है, तीन आंख और तीन कान, दो कान बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है, अब एक कान अंदर जीवात्मा में है। उससे जो अनाद वेदवाणी आकाशवाणी जिसको कहते हो, ऊपरी आवाज गैबी आवाज देववाणी वो सुनाई पड़ता है उस कान से, और तीन नाक, एक सुरा के दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ, ये तो दो नाक है। अब जिसको ये नाक कहते हो, ये तो एक तरह से इसको ढक दिया गया, जैसे दो नाले के ऊपर ऐसे पुल बना दो और नाला ढक जाए, इस तरह से बना दिया, तो उस मालिक ने बनाया इसको। कर दो नाक के बाहर और एक नाक अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। तो अब आपको दूंगा नामदान, लेकिन कहोगे भाई नामदान लेने से पहले तो कुछ आने समय लोग नामदान लेने पर तो कुछ दिया जाता है, दक्षिणा भारत की मर्यादा रही, संस्कृति रही है कि नामदान दीक्षा लेते समय को दिया जाता है दक्षिणा में। बहुत से लोग तो लोटा धोती लंगोटी पहले ही रखवा लेते हैं और फिर कान फूकते हैं, कंठी बांधते हैं, छाप लगाते हैं, तो कंठी वंठी तो यहाँ बांधी नहीं जाती और ना छाप लगाया जाता है और ना यहाँ घर छोड़ने के लिए कहा जाता है। न तो घर छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, न जमीन जायदाद को आपको छोड़ना है तो आप अच्छा खाना खाओ, है तो अच्छा कपड़ा पहनो, है तो अच्छे समाज में रहो, जहाँ लड़की लड़का का शादी ब्याह करते हो अरे वहीं पर करो। अब ये जरूर है कि समय पर कर दो, उनको ना इंतजार करना पड़े या उनको ना खोजना पड़े, यानी समय हो जाए तो उनको खुद को ना खोज के कर लेना पड़े, ये इसका तो ध्यान रखना जरूरी है। तो अब आप ये समझो कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन दक्षिणा में तो कुछ देना ही देना है, तो देना क्या है आपको, आप अपनी बुराइयों को यही छोड़ जाओ,
बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरे औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। मांस मनुष्य का भोजन है ही नहीं। मांस खाने वाले की बुद्धि खराब, खून खराब, फिर दिमाग बहुत ही भ्रष्ट हो जाता है, मांसाहारी का है, इसलिए मांस मत खाना। देखो बच्चों समझ लो, जो जानवरों को मारता है, लाता है, काटता है, मांस को पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है, इसलिए पाप से बचना। पाप अब घर में नहीं होना चाहिए और मांस घर में आना नहीं चाहिए। मछली क्या है, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, कोई भी गंदी चीज तालाब में डाल दो, खखाड़ के ठोक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। कोई गाय बैल भैंस बह करके सुअर बह करके नदी तालाब में चला जाए, मछली खाएगी। मर जाती है तो पानी के ऊपर रहती है। अभी तक लोग खाया सो तो खाया, अब मत खाता, तौबा कर लो, कान पकड़ लो, मालिक से माफी मांग लो। अंडा देखो क्या है, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। और खाती क्या है, गंदी चीजें, और उसका खराब खून बना, उसका अंडा बना, बताओ कितनी गंदी चीज है। कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, तो उसे डॉक्टर कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, जाके तो खिलाओ मोटा हो जाएगा ताकत आएगी। ये सब अज्ञानी जो अंडा खाते खिलाते हैं। वैज्ञानिक कहते तो हैं कि मैंने हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, लेकिन बगैर पेट्रोल के कोई हवाई जहाज उड़ता है? अरे वो भी तो विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे, उड़ करके गए थे, पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कोई हवाई जहाज ऐसा बना कि जो पहाड़ उठा करके ले आवे? तो बच्चियों समझ लो, बच्चों को अंडा कभी भी मत खिलाना, ना खुद खाना, बड़ी गंदी चीज है। और देखो शराब में तो है 1000 बुराई, मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि एक कटरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो उसको काट करके फेंक देना चाहिए। और हिंदुओं क्या लिखा है, पियो, लिखा है गंगा जल कित बार उड़ जाना, तरफ निसंत करें ते पाना, गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए। शराब मत पीना, शराबी का साथ छोड़ दो तो मदद मिल जाएगी शराब के छूटने में, साथ का बड़ा असर होता है। देखो कई कई राम को कितना मानती थी, प्यार करती थी भरत से ज्यादा, लेकिन मंत्रदा उसकी दासी थी, 24 घंटा साथ रहती थी और समझा समझा करके दिमाग बदल दिया, और वही कई कई राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भिजवा दिया। तो साथ का असर होता, अच्छे का साथ करना, अच्छों के पास उठना बैठना और संकल्प आज ही बना लेना कि अब शराब नहीं पीने का छूट जाएगा, तो शराब मत पीना। और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। मेहनत ईमानदारी की कमाई करोगे तो बरकत बढ़ जाएगी। आपको नामदान देता हूँ, अब बैठ जाओ, इसमें जैसे हम बैठे हैं बैठो, नामदान ले लो और सब लोग इसको करना। मालिक की तरफ से कोई भेदभाव नहीं, ये तो भेदभाव आपकी तरफ से कि ये पटेल हैं और ये वर्मा हैं और ये सिंह साहब हैं, ये पंडित जी हैं, और ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये इंदौर के हैं, ये उज्जैन के हैं, ये जापान के हैं, ये अमेरिका के हैं, ये तो आदमी का भेदभाव है। अरे उसके तरफ से तो सब एक हैं, हड्डी एक जैसी, खून एक जैसा, मांस एक जैसा, और पानी एक जैसा बनाया, कोई बंटवारा नहीं, आसमान में जमीन में कोई बंटवारा नहीं, कोई भी रहे धरती पर कोई पेड़ का फल खाए, गाय बैल गाय बनाया, बकरी बनाया, कोई भी दूध पिए, जितनी चीजें उसने बनाई इंसान के लिए बनाई, किसी यानी कौम कॉमेट के लिए, जात पात वालों के अलग नहीं बनाया। तो आप तो इन चीजों को देखते हो, लेकिन मैं तो आपकी जीवात्माओं को देखता हूँ, जीवात्मा तो सबके अंदर एक ही जैसी है, तो यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं। देखो तो पहले के समय में औरतों को तो कोई अधिकार ही नहीं दिया था, यह सब ध्यान भजन सुमिरन करने का, ये सब तब ये कैसे पार होती थी,
पति की सेवा करके। अब कलयुग में पति अपने ही पार होने का नहीं कर पा रहा तो इनको क्या पार करेगा, इसलिए सबको समान अधिकार दे दिया गया, कोई भी कर सकता है। तो बैठो पार्थी मारो, बनावट ऐसा नहीं है, पुरुष कर सकता है, लेकिन उस समय उम्र ज्यादा होती थी, 1,00,000 वर्ष की उम्र सतयुग में और 10,000 वर्ष की उम्र त्रेता में, 1,000 वर्ष की द्वापर में, और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र बताई गई और 100 वर्ष भी पूरा हो पाना मुश्किल है, तो उस समय की साधना कोई कैसे कर सकता है। इसलिए इस समय पर तो आँखों के नीचे की साधना ही खत्म कर दी गई, पाखी मध्य पाखी चमके और पाखी मध्य द्वारा हत्ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे बहुत जल पारा, तो वो बताऊंगा आपको। बैठो बैठ जाओ, पालथी मारो, जो जो नाम बोलूंगा आप लोग बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप लोग भी बोलना बंद कर देना, फिर आपको समझाऊंगा करा दूंगा आपको थोड़ी देर। तो याद करना है, बच्चों को याद कराना है, रटाना है। देखो कैसे रटाओगे, देखो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जगह जगह पर आप लोग करो और जय गुरुदेव नाम लोगों को रटा दो। 12 घंटे का ध्वनि करो, 10 घंटे का करो, 8 घंटा नहीं तो 2 घंटे की तो आप लोग यानी हफ्ते में एक बार, 15 दिन में, महीने में एक बार कर ही सकते हो। पड़ोसियों को इकट्ठा कर लो, घर के लोगों को, रिश्तेदारों को भी बुला लो और नाम ध्वनि करके यानी रट लो, लोगों को रटा दो। ये आने वाले खराब समय में जय गुरुदेव नाम बचत करेगा। अभी आपने खराब समय नहीं देखा है, खराब समय तो अभी आगे आ रहा है, नई नई बीमारियाँ आएंगी धरती के ऊपर, पाप बहुत हो रहा है तो भूकंप आएंगे, धरती हिलेगी, लोगों के पाप ओला पत्थर बन करके ऊपर से गिरेंगे, लोग मरेंगे। उस समय पर जय गुरुदेव नाम बोलने से राहत मिलेगी, रक्षा होगी। देखो बच्चों समझ लो, बच्चों को कैसे याद कराना रहेगा आपको, रात को जब खाना बना लो, समझ लो काम की चीज बता रहा हूँ, देखो समझ लो बच्चों, रात को जब खाना बना लो तो घर में जितने भी लोग हों इकट्ठा करो, बुढ़े जवान बच्चों को, और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाओ और उसके बाद में खाना खिलाना शुरू करो। तो जब बच्चों को ये मालूम हो जाएगा कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने के बाद ही खाने को मिलेगा, जैसे कुकर सीटी देगा तैसे ये दादाजी चलो, दादी जी चलो, काका जी चलो, हाथ पकड़ पकड़ करके लाएंगे, बैठाएंगे और ध्वनि बोलेंगे और बुलवाएंगे। तो जब बच्चों को याद हो जाएगा तो कहाँगा कोटि कोटि मुंजतन कराए कौन सा नाम मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर मरते समय जब तकलीफ होती है उस समय अगर नाम याद आ जाए तो नाम ही मदद कर देता है। नाम जब जगाया जाता है तब उस मालिक के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। आपको ये नहीं पता है कि कहाँ से आप जुड़े हो, कौन से तार से आप जुड़े हो, कहाँ किस मालिक के पास से आप आए हो, आपको ये नहीं पता है। जैसे आप जुड़े हुए हो ऐसे वो नाम भी जोड़ दिया जाता है। तो जब मुसीबत में कोई बोलता है तो फौरन जिसको पुकारता है वो मदद करता है। आप अपने परिवार को लेकर के जा रहे हो कहीं, छोटा बच्चा है और उसको ठोकर लग गई तो बोलेगा पापा तो पापा तुरंत देखेगा, बोलेगा मम्मी तो मम्मी तुरंत देखेगी, भाई जिसको पुकारेगा तुरंत देखेगा, रहेंगे सब साथ, लेकिन जिसको आवाज लगाएगा बोलेगा पहले वही पहले देखेगा। ऐसे ही जब रट जाएगा उसे जो नाम निकलेगा तो वो मालिक मददगार हो जाएगा। देखो आप की दोस्ती हो, आप किसी के यहाँ सामान खरीदते हो, आप दुकानदार हो, किसी को सामान बेचते हो, दफ्तर में एक साथ काम करते हो, सबको बता दो कि रात को सोने के लिए जब जाओ तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते रहो जब तक नींद ना आ जाए। तो भाव के साथ अगर वो बोलेगा तो तुरंत फल मिलना शुरू हो जाएगा, और नहीं तो थोड़ा समय लगातार अगर बोलेगा तो उसके कर्म कटने लगेंगे तो उसको फायदा दिखने लगेगा।
फिर आपसे ही कहेगा भाई फायदा हो रहा है, बीमारी में, तकलीफ में, मुसीबत में, इनमें उनमें सब में बताने लगे, और क्या करना चाहिए आपसे ही कहेगा। तब कह देना शाकाहारी रहना, सदाचारी रहना, नशा मुक्त रहना और नामदान बेलजाटम लेकर के वजन करना, जीवन को सार्थक बना लेना, बता देना। तो जय गुरु नाम का प्रचार करो और जय गुरु नाम बुलवाओ लोगों को, और जय गुरु नाम को पूरा बोल, यह है वर्णात्मक नाम। और ध्वन्यात्मक नाम जो आपको बताया, उस नाम की कमाई आप बराबर करते रहना। तो देखो प्रेम पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा है, गुरु सागर में भी लिखा है, और जगन्नाथ दास कुड़िया किताब में भी लिखा है। क्या लिखा है कि सतयुग आएगा। गुरु महाराज बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो देखो जब जब युग बदला तब बहुत, तब तक बहुत मरे, त्रेता गया तो बहुत मरे, द्वापर गया तो बहुत मरे, तो कलयुग आएगा तब तो भी बहुत मरेंगे। अब अगर उम्र पूरी किए जब मर जाएंगे तो प्रेत बन जाएंगे। प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, तो कभी पेट ही नहीं भरता है। तो दुखी रहते हैं, जब भूखे रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो दूसरों पर लग जाते हैं, उसको भी परेशान करते हैं। अब एक प्रेत अगर एक घर में घुस जाए तो पूरे घर भर को परेशान किया रहता है। और जब बहुत ज़्यादा प्रेत हो जाएंगे, एक एक के ऊपर दस दस लगेंगे, तो सोचो आप कि ठीक से खा पाओगे कि ठीक से सो पाओगे। इसलिए बचने की भी ज़रूरत है और लोगों को बचाने की ज़रूरत है। देखो एक समय ऐसा आएगा कि देश में गौहत्या बंद हो जाएगी। और गौहत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोपती से चौपाटी तक कोई मांस मछली अंडा शराब की दुकान ही नहीं होगी। कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की भी नीयत खराब होगी ही नहीं। विचार बदल जाएंगे, भावनाएं बदल जाएंगी, पैदावार बढ़ जाएगा, जानवर दूध सेना बढ़ा देंगे, लोगों की जब नीयत दुरुस्त हो जाएगी, बरकत होने लगेगी, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होगी, ऐसा समय होगा। लेकिन बीच का समय खराब है, इसमें बहुत बचने की जरूरत है। देखो अपहरण, बलात्कार, चोरी डकैती घटनाएं बढ़ेंगी, ठगी बहुत बढ़ जाएगी। लालच में अगर पड़ गए तो घर का भी पैसा चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। एडमिशन करा देंगे, प्रमोशन करा देंगे और एक का 4 गुना करा देंगे, पर पैसा लेकर चले जाएंगे, एक नहीं वापस आएगा। पार्टनर बन जाएंगे, पार्टनरशिप में धंधा करा लेंगे और पैसा लेकर के सब हड़प करके चले जाएंगे। पार्टनरशिप का धंधा कभी मत करना, पार्टनरशिप का धंधा मत करना, और लालच में पैसा मत दे देना किसी को। नौकरी देखते लिए, उसके लिए, इसके लिए बच्चों का दे देते हैं, ये पैसा वापस नहीं आता। तमाम रोते हैं, हमारे पास आते थे, अब जब से हम मंच से बोलने लगे अब नहीं आते। थक जाते हैं तो कहते हैं महाराज जी ने मना किया था, पैसे कहाँ चल करके, कौन बोले कर, लेकिन लालच में आकर थक जाते हैं। तो थोड़ा होशियार रहने की जरूरत है, संगत बढ़ रहे इसलिए इन सब बातों को बता रहे। तो ज़्यादा समय आप कर लीजिए, 5 मिनट आप भजन कर लो, बस छुट्टी। अगर भजन की कोई छुट्टी नहीं, बैठ जाओ। तो देखो हमारा आश्रम उज्जैन में है, आपके इधर से लोग जाते हैं, आप लोग जो अभी उज्जैन आश्रम पर नहीं आए हो, आप आइएगा, आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। देखो इधर बहुत मेहनत पड़ी हमको, लगातार 2 महीने से कार्यक्रम कर रहा हूँ। तो आज थोड़ा मैंने उधर गया, गर्मी ठंडी की वजह से थोड़ा जुकाम खांसी हो गई, बराबर तबीयत नहीं थी, लेकिन वो भी गुरु महाराज की दया हुई और आपके यहाँ ये कार्यक्रम कर दिया है, सुना दिया आपको। कम समय में ही देखो बहुत लोगों को खबर हो गई, तो आ गए। फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर सुनाया जाएगा, हम आ जाएंगे। और मेरे को कोई ज़्यादा रोल नहीं है, आप तो जन आइएगा, आपको बहुत सुना दिया जाएगा, बहुत बातें सुनने को मिल जाएंगे। तो एक होगी प्रार्थना और उसके बाद एक कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। प्रार्थना में बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा, बोलो जय गुरुदेव।
नजर करो मेरी ओर देश बिना तुम्हें निहारूं सतगुरु देश जैसे चंद्र चकोर हृदय की नजर करो नजर करो मेरी ओर पालक जानी तू कवि आया शरण अब मैं तो रहा हृदय की नजर करो मेरी ओ हृदय सदा दयालु भाव तुम्हारा सदा मेरी मेरी आकाश भय कठोर मेरे हृदय की नजर करो अब जाए कहीं ओर हृदय की नजर करो नजर करो Yeah.
तरह से जय गोड्डो नाम की ध्वनि सब लोगों को बोलना है, सब लोग बोलिएगा और बच्चों को भी याद करा दीजिए, इसी तरह से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके बड़े आभारी हैं। व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने बहुत कम समय में प्रचार करके आप लोगों को इकट्ठा करके बुला लिया, उनके जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, जिन्होंने ये जगह दिया, हम सबके आभारी हैं। बराबर देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल तोड़ फोड़ आंदोलन धारणा घेराव हिंसा हत्या आत्महत्या से दूर रहना, नियम कानून का पालन करना, अधिकारी कर्मचारी बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना और भजन ध्यान करते रहना, शाकाहारी सदाचारी रहना। बोलो जय गुरुदेव।